हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 12 गणित का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अध्याय शुरू करने चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है? आव्यूह। हम लोग ये देखेंगे कि आव्यूह होता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी उपयोगिता कैसे रही। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? परिचय। किसका परिचय पढ़ने चल रहे हैं? आव्यूह का। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग क्या है? MATRIX। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हम आपको पहले बता रहे हैं क्या है आव्यूह। एक ऐसी आयताकार सारणी है जिसमें संख्याओं को अनेक, अब इसको ध्यान देना, पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करके दर्शाया जाता है ना। आगे कहता है आव्यूह की खोज, रूपांतरण, ज्यामिति के अध्ययन में, किसमें? ज्यामिति के अध्ययन में। अब विशेष रूप से क्या था? विशेष रूप से ज्यामितीय आकारों के स्थानांतरण, घूर्णन, परावर्तन, विस्तारण तथा संकुचन आदि में हुई इसका उपयोग किया जा रहा था। जो आपको महत्वपूर्ण बात यहां पे है कि इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम सन 1850 में ब्रिटिश गणितज्ञ, नाम क्या है? जे सिल्वेस्टर ने किया। लेकिन इसकी व्यापक व्याख्या, इसके सिद्धांत की व्याख्या सन 1858 में आर्थर कैले नामक जो वैज्ञानिक हैं, जो गणितज्ञ हैं, इन्होंने क्या किया? इसकी व्याख्या की। अब इसका दैनिक जीवन उपयोग हम देखते हैं। जैसे आप लोग अपनी कक्षा में प्रार्थना सभा के दौरान खड़े होते हैं तो वहाँ क्या होती हैं? पंक्तियाँ आप लगाते हो, तो पंक्तियाँ कुछ आपकी इस तरह से होती हैं। जैसे मान लो पहला, आप ऐसे खड़े हो रहे हैं, इस तरह से बच्चे लाइन में खड़े हो रहे हैं, इन पंक्तियों का हम दो क्रम देख रहे हैं, समझिए। एक तो इस तरह से क्रम है और दूसरा क्रम बच्चों का इस तरह से है। जो इस तरह का क्रम है इसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति नाम देते हैं। यहां पे आव्यूह के सेंस में इसको बोलते हैं रो। ऐसे को हम पंक्ति सदिश कहते हैं, कहते हैं पंक्ति सदिश, रो वेक्टर जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में। और जो इस तरह से आप देख रहे हैं, जो ऊर्ध्वाधर है ये हमारे बोर्ड के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम वर्ड देते हैं कॉलम। क्लियर। अब देखिए कि जो हमारा इस तरह से है, क्षैतिज है, उसको हमने क्या नाम दिया? पंक्ति नाम दिया। जो ऊर्ध्वाधर, उसको हमने क्या नाम दिया? स्तंभ या स्तंभ सदिश। स्तंभ सदिश कहते हैं इसको हम। तो ऊपर हमने क्या कहा? आव्यूह एक ऐसी सारणी है ना जिसमें संख्याओं को अनेक पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं। तो जब आप प्रेयर के लिए खड़े होते हैं तो कुछ आपका यही क्रम बनता है। हम अगर ऐसे देखेंगे आपको इस तरह से, तो हमारी क्या है कि पंक्ति होगी और ये जो आपकी लंबाई है इसको एक तरीके से हम क्या नाम देते हैं? स्तंभ नाम देते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, परचून की दुकान पे जाते हैं, तो क्या करता है? अपने सामग्रियों को ऐसे रैक बनी होती है इसमें रखा होता है, तो वहां भी कुछ क्या होते हैं? खाने इसी तरह से होते हैं, ऐसे व्यवस्था होती है। इस तरह से यहां भी सामग्रियों को क्या किया गया है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज खानों में क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया है। अब इसकी हम थोड़ा परिभाषा देखते हैं। ये तो व्यवहार
में रहा, बोलचाल की उसमें रहा। अब इसके हम जो थोड़ा आधिकारिक परिभाषा उसकी तरफ हम चलते हैं, बात करते हैं क्या डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में। आव्यूह संख्याओं या फलनों, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। कैसा है? आयताकार क्रम विन्यास, मतलब क्रमित रूप से इसको क्या किया गया है, आयताकार रूप में, किस माध्यम से, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। क्या कहा गया? सबसे सिंपल परिभाषा आप क्या बताएंगे इसकी, कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अब अगर कोई चीज निर्मित हो रही है तो उसके कुछ अवयव होंगे, तो उन्हीं को आगे बताते हैं। क्या कहा गया है? इन संख्याओं या फलनों को, किन संख्याओं या फलनों को, वे संख्याएं या फलन जो कि आव्यूह को बनाने में उपयोग हो रहे हैं, आव्यूह में उपस्थित हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। क्या कहा गया? कि वे संख्याएं अथवा फलन जो आव्यूह में उपस्थित होते हैं, जिनको कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर लाइनों के रूप में व्यवस्थित करके आव्यूह को निर्मित किया गया है, उन्हें ही हम आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब आगे आपको थोड़ा सा समझना है, क्या कहा गया कि मैट्रिक्स का बहुवचन क्या है, मैट्रिसेस होता है। और जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हम एक सिंबल यूज करते हैं, आव्यूह को या तो हम इस तरह से कोष्टक में लिखते हैं, या इस तरह के कोष्टक में लिखते हैं, या इस तरह से चिन्ह लगा करके उसके अवयवों को हम लिखते हैं। और आव्यूह को क्या होता है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ए। अब यह क्या है कि इसमें कुछ अवयव होंगे, उन अवयवों को लिखा कैसे गया होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में, ना क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रूप में। हमने मान लिया होगा 2, 5, 3 और 4 है, इस तरह से है। तो अब यहां 2, 5 और 3 और 4 क्या है, ये अंक है। इन अंकों को हमने क्या किया है, क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में, ये क्या रहा, क्षैतिज रहा, ये क्या रहा, ऊर्ध्वाधर। हमने कहा जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हमने नाम क्या दिया है, पंक्ति कहा है। जो क्षैतिज लाइनें हैं ये क्या हो गई, पंक्ति हो गई, ठीक। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको हमने क्या कहा है, स्तंभ नाम दिया है। तो ये हमारी जो खड़ी लाइनें हैं इनको हम क्या कहेंगे, स्तंभ या कॉलम कहेंगे। जो हमारी इस तरह से लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। अब इनको हमने व्यवस्थित कर लिया, तो व्यवस्थित करने पे जो हमें आयताकार व्यवस्था प्राप्त हुई, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, क्षैतिज को हमने नाम दिया पंक्ति और ऊर्ध्वाधर को नाम दिया स्तंभ, यही हमारा क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 फैक्ट्रियां हैं, और उन 3 फैक्ट्रियों में हम मानते हैं फैक्ट्रियां क्या हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, 3 कंपनियां हैं। 3 कंपनियों में महिला और पुरुष कर्मचारी हैं, और उनकी हमें कुछ सूचना दी गई है कि उनकी संख्या क्या है। तो यहां हम लेते क्या है, पुरुष कर्मचारी, यहां हमारी क्या हो गई, महिला कर्मचारी। अब हमें क्या दी गई, सूचना दी गई है, इस सूचना को हम प्रभावी तरीके से आव्यूह के माध्यम से कैसे राइट कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहली कंपनी में जो पुरुष कर्मचारी हैं, इन पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 30 है, और महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 25 है। तो हमने क्या किया,
यहाँ पे लिखा 30 और हमने क्या लिखा 25। दूसरी जो हमारी कंपनी है उसमें जो है पुरुष कर्मचारियों की संख्या 25 है और महिला कर्मचारियों की संख्या 31 है। हमने यहाँ क्या लिखा 25 और 31। तीसरी कंपनी जो हमारी है उसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या हमारे पास कितनी है 27 है और महिला कर्मचारियों की संख्या 26 है। देखिए अब ये रहा हमारे पास इनका एक डिटेल रहा। इसी को हम व्यवस्थित तरीके से पूरी सूचना के लिए हम इनको आव्यूह में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। हमने मान लिया हमारा एक ए आव्यूह है। अब इसी सूचना को हम व्यवस्थित करते हैं। यहां हमने क्या लिया 30 और 25, 25 31 27 और 26। इस तरह से हमारी पूरी सूचना क्या हो गई हमने इस आव्यूह के माध्यम से सरलता पूर्वक इसे प्रदर्शित कर लिया। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं आव्यूह से संबंधित कुछ और चीजें हैं। जैसे मैंने यहां दिखाया हुआ है कि इसका जो क्रम विन्यास होता है कुछ इस तरह का है ए बराबर A11, A12, A13, A1n ना A21, A22, A23, A2n एंड सो ऑन। यहां लिखा गया M क्रॉस N। उसको समझने थोड़ा इस बात को समझते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। क्या बताया गया कि यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी आव्यूह को M क्रॉस N, इसको हम दो चीज पढ़ते हैं, या तो यम गुणा यन पढ़ते हैं या यम बाई यन पढ़ते हैं। कोटि का आव्यूह अथवा केवल M क्रॉस N आव्यूह कहते हैं। यहां यम क्या है, यम पंक्तियों के लिए आ रहा है और यन क्या दे रहा है आपको स्तंभों के विषय में जानकारी दे रहा है। तो जो इनका क्रॉस है M क्रॉस N को ही हम किसी भी दिए गए आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। क्या कि जो M क्रॉस N है M बाई N है यही आपका क्या है दिए गए आव्यूह का क्रम या कोटि है। अब M हमने क्या कहा पंक्ति, N क्या है स्तंभ। तो अगर हमें इस आव्यूह का क्रम निकालना हो मतलब कोटि निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, पहले पंक्ति गिनेंगे। पंक्तियां हमारी कितनी हैं 3 हैं। हम यहां दो प्रतीक यूज करेंगे, एक तो हम यूज करेंगे R, R किसके लिए करेंगे हम लोग रो के लिए, और C यूज करेंगे हम लोग किसके लिए कॉलम के लिए। तो चूंकि इनकी संख्या कितनी है, पहली पंक्ति ने यहां क्या लिख लिया 1, यहां ने क्या लिखा 2 और क्या हो गया 3। R1, R2, R3, R में सबने कहा रो तो 1, 2, 3 मतलब हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं 3 पंक्तियां हैं। हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर लाइनों की, इसमें व्यवस्था कितनी है दो तरह से है। हम इसके लिए क्या लिखते हैं C, तो यहां हमारा क्या हो गया 1 और क्या हो गया हमारा ये 2। तो जनरली हम क्या करते हैं लेफ्ट से चलेंगे तो क्या हो गया C1 और C2 हो गया। तो अब देखिए पंक्तियां मिली 3, स्तंभ मिले 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका हमारा कोड क्या हो गया 3x2 हो गया जो यहां दिखाया गया है। हम इसको सामान्य रूप से प्रतीक में कैसे लिखते हैं, ए बराबर AIJ M क्रॉस N, जहां आई क्या बता रहा है AIJ है, क्या AIJ बताता है जो अवयव है वह आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ में उपस्थित है। जैसे अब यहां हमने क्या लिखा था A11, अब इस A11 को इसके संदर्भ में देखा जाए 11 हमने क्या कहा सामान्य रूप क्या लिखा AIJ। अगर हम I के स्थान पे 1 रखें J के स्थान पर 1 रखें तो अब 1 और 1 मतलब पहली पंक्ति का पहला और पहले स्तंभ में पहला, मतलब पहली पंक्ति है पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति हमारी कौन सी होगी ये होगी, ये हमारी पहली पंक्ति है पूरा। पहला स्तंभ हमारा कौन सा है ये है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव।
तो पहली पंक्ति हुई ये और पहला स्तंभ हुआ ये और उसका अवयव क्या बना ए वन वन, हम यहाँ देखते हैं तो ए वन वन हमारा क्या बन रहा है ये 30। तो हम लिख सकते हैं कि ए वन वन इक्वल टू 30। अब कोई आपसे कहे कि आप ए थ्री टू निकालिए, क्या निकालिए ए थ्री टू, ए थ्री टू आपको सूचना क्या दे रहा है, पहले हमने क्या लिखा है, हमने ही बताया कि क्या आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ, आईवी पंक्ति देखिए आप यहां थ्री मतलब तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये तीसरी पंक्ति है आपकी, क्या है ये तीसरी पंक्ति है। अब देखते हैं इसके बगल में राइट में क्या है, दो लिखा हुआ है, सूचना क्या दे रहा है कि दूसरा स्तंभ, ये पहला और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव कौन सा आया 26 आया, तो इस तरह से हमें क्या मिला 26। तो हमने क्या देखा कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का हमारा अवयव क्या है 26 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं यहां पर आव्यूह को निरूपित करते हैं, हमें पता क्या चला कि आव्यूह क्या है, सिंपल सी परिभाषा में बताया गया आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जे जे सिल्वेस्टर ने किया। आव्यूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आर्थर कैले ने किया। आव्यूह को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, सामान्यतः हम इसको निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और इसके अवयवों को इस प्रकार के चिन्हों के बीच में हम लिखते हैं तथा अवयवों में हम कोई कामा या कुछ भी चिन्ह लगाते नहीं हैं। आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह की कोट जो होती है वो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर हम मान लें कि जो आव्यूह है उसमें यम पंक्तियां हैं और यन स्तंभ हैं, तो उस आव्यूह का जो क्रम होगा उसको हम कैसे निरूपित करेंगे, एम क्रॉस यन कोट के आव्यूह अथवा केवल एम क्रॉस एन आव्यूह कहते हैं। सामान्य तरीके से जो आयताकार क्रम विन्यास होता है कुछ इस तरह का होता है, हम जिसे सिंबल के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और जहां पर क्या होता है आई और जे क्या बता रहा है कि आई का मान जो है वह एक से बड़ा होगा या एक के बराबर हो सकता है तथा यम के बराबर या यम से छोटा हो सकता है तथा जो जे का मान होगा वह एक से बड़ा होगा और यन के बराबर या यन से छोटा होगा। और आई और जो दो है ये दोनों ही क्या है आपकी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। अब ए आई जे क्या बता रहे कि आई में पंक्ति और जे में स्तंभ में उपस्थित अवयव है, जैसा कि हमने आपको यहां दिखाया कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ए थ्री वन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, ए थ्री वन के लिए देख लेते थोड़ा सा, ए थ्री वन का मतलब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। अब आइए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति हुई है, अब स्तंभ कौन सा है पहला, पहला स्तंभ ये है तो पहले स्तंभ तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में आइए आप, तो स्तंभ तो ये पहला हुआ लेकिन पहली पंक्ति का है ये दूसरी का तीसरी कहां पहुंचे आप, यहां पहुंचे, आपको मिला कितना 27। फिर अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं निकालने के लिए थोड़ा सा, एक क्वेश्चन हमारा कि अगर कोई आव्यूह है जिसमें टोटल कितने अवयव हैं 8 अवयव हैं तो बताइए कि उसकी क्रम क्या होगी या उसकी कोटि क्या होगी। आव्यूह में अवयवों की संख्या 8 हो तो आव्यूह की कोटि बताइए। ध्यान दीजिए कुछ इस तरह का हमारा बात क्वेश्चन है। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज आपको जानना चाहिए
कि किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होती है? आव्यूह में अवयवों की संख्या हमारे तो बेटा एम एन होती है। आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है? एम एन होती है। अब हमारे पास कितने हैं? टोटल 8 अवयव हैं। इस 8 ठीक है, देखिए आव्यूह में अवयवों की संख्या तो यमयन होती है। अब कहा क्या है कि इसमें कितने हैं आपके पास? 8 हैं। तो जितने भी संभव पेयर्स हो सकते हैं यम और यन के, वो सभी पेयर्स ही क्या बताएंगे? आव्यूह की कोटि को बताएंगे। तो हम पहली चीज तो क्या करते हैं, हम इसके क्रमित युग्म ले लेते हैं। क्रमित युग्म, अब आप क्रमित युग्म इसके निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? यहां से पहली चीज अगर 1 और 8 ले लें, मतलब कि पंक्ति 1 हो और उसमें स्तंभ कितने हो? 8 हो। दूसरी हमारी कंडीशन हो सकती है कि हम 2 और 4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2 और 4 ले सकते हैं। अगला हम क्या कर सकते हैं? 8 और 1 ले सकते हैं, और दूसरा हम 4 और 2 ले सकते हैं। इतनी संभव हमारी क्या होगी? कोटियां इसकी हो सकती हैं। क्लियर? तो अब क्या बताया गया कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब लोग बात करेंगे आव्यूहों के प्रकार पर। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर? देखिए अब पहला होता है स्तंभ आव्यूह। पहला क्या है तुम लोग? स्तंभ आव्यूह। अब जैसे आप इसके नाम से ही देख रहे हो कि स्तंभ आव्यूह, एक दिमाग में आता है कि नाम क्या है? स्तंभ आव्यूह। मतलब कोई एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें केवल और केवल क्या होगा? एक ही स्तंभ होगा। क्या? कोई भी एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अगर कोई परिभाषा कहे तब कैसे बताओगे कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि इसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो? क्या एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है जब इसमें केवल एक ही स्तंभ हो, केवल एक ही स्तंभ हो। जब इसमें केवल एक ही स्तंभ होगा मतलब n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी। स्तंभ आव्यूह का क्रम क्या होगा हमारा? स्तंभ आव्यूह की कोटि, चूंकि यहां यम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पंक्तियों की संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन हमारा स्तंभ क्या होगा? स्तंभ एक ही होगा। इसका क्या बनेगा हमारा? m/1 ना, m x 1 आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 1, 2, 3। अब आप इसमें देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3 है, लेकिन स्तंभ कितने हमारे पास? केवल 1 है। शर्त यही है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे।
अब हम चलते हैं दूसरे पर, जिसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। देखिए अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, थोड़ा ध्यान समझते हैं। अब इसके भी जो टाइटल है उसी टाइटल से आपको पता चल जा रहा है कि यहां पर क्या है ना। अब जो भी इसका टाइटल है उस टाइटल से हम इसको निर्धारित कर लेते हैं कि यहां पे क्या कहा गया, आपको पंक्ति कहा गया। मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है जब इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, केवल एक ही पंक्ति होती है। यहां प्रतिबंध किसके लिए, पंक्ति के लिए, ना कि स्तंभ के लिए है। तो हम यहां क्या मान लेंगे, यम बराबर एक। इसकी कोटि क्या होगी, पंक्ति आव्यूह की कोटि, चलते हमारा क्या हो जाएगा यहां से, वन क्रॉस एन हो जाएगा। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, हमने क्या कहा इसमें केवल एक पंक्ति होगी, वन फोर फाइव सिक्स, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। यहां पर हमने क्या देखा, पंक्ति कितनी है, एक, लेकिन स्तंभ कितने हैं, यहां पर पूरे हमारे पास चार स्तंभ हैं। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर कोई कहता है कि स्तंभ आव्यूह क्या है, तो आप बताएंगे कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। पंक्ति आव्यूह क्या होगा, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वेयर मैट्रिक्स। जैसे आपने देखा होगा वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां सेंस क्या है वर्ग आव्यूह का, मतलब कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। क्या कहेंगे हम, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब शर्त क्या है यहां पर, m बराबर n। अब इसको जैसे हम डिनोट कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारा कोई वर्ग आव्यूह है a, इसको क्या दिखाएंगे हम, aij। यहां क्या लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों बराबर है तो सामान्यतः इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी जो कोटि होती है वर्ग आव्यूह की कोटि, हम इसको स्क्वायर नहीं लिखते, स्क्वायर लिखा जाए हम, क्योंकि सामान्य से क्या बताएंगे इसको, हम यम बताएंगे कि वर्ग आव्यूह की मानी कोटि क्या है, यम है। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका हम लोग, एग्जाम्पल इसका हमारा क्या है, कुछ भी हम ले लेते हैं इस तरह से, दो जीरो तीन पांच। एक हमारा क्या है, दो क्रॉस दो, मतलब
यानी देखा एक दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, लेकिन सामान्यता अगर कोई क्रम पूछे क्या बताएंगे, इसका क्रम क्या है, इसकी कोट क्या है, दो है। दो का मतलब क्या है, सेंस समझ में आ गया। पहले ने सर बताया है कि कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह तभी कहलाएगा जब उसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इस तरह से पता चला वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, यम बराबर यन होता है, इसकी कोटि क्या होती है, यम होती है। अब वर्ग आव्यूह के बाद हम लोग बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की। किसकी, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जैसे इसके शब्द से ही आपको पता लगे, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़ करके, अवयव को छोड़ करके, शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। फिर समझिए क्या कहा गया, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है, कहलाता है जब इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं। उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1003, ये हमारा एक वर्ग आव्यूह है जिसका क्रम क्या है, 2x2 है। इसमें हमने क्या कहा, शर्त यही है कि मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। यहां देखिए 00 केवल मुख्य विकर्ण यही है। बाकी दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं तो बाएं सिरे से चल करके दाएं सिरे पे खत्म होने वाले विकर्ण को हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। बाकी आगे जो इसके हमारे भाग हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।